तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है, 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने अभी एक वीडियो क्लिप देखी, उस वीडियो क्लिप से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा लेक्चर किस बारे में है। 12 मई को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया था कि कोविड से फाइट करने के लिए जो हमारी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी बहुत बड़ा पैकेज इंट्रोड्यूस करने जा रही है, दैट वॉज अराउंड 20 लाख करोड़। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस वीडियो में उस पार्ट को कवर करेंगे कि वो 20 लाख करोड़ का पैकेज हम इंडिविजुअल्स को, हम जो लोकल लोग हैं, हमें किस तरीके से वो पैकेज बेनिफिट करने वाला है, क्या क्या उसके अंदर की जो डिटेलिंग्स हैं वो क्या क्या डिटेल उसके अंदर दी गई हैं और वो हमें कैसे बेनिफिट कर सकता है। इस पूरे के पूरे जो 20 लाख करोड़ के पैकेज को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 पार्ट में हमें एग्जिबिट किया, तो हम भी इसको 5 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। इन 5 पार्ट्स में आज हमारा पहला पार्ट है। हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत सिंपलेस्ट वे में आप तक मैं उन चीज़ों को पहुंचा सकूं कि उसका मीनिंग क्या है और वो कैसे आपको डिलीवर करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, सबसे पहले आप ये बात समझें, जो वो 5 पार्ट में 20 लाख करोड़ का पैकेज डिवाइड किया गया है, ठीक है, वो है क्या? तो सबसे पहला बिजनेस इंक्लूडिंग MSME, जो 13 मई 2020 को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। तो पहले पार्ट में जो पहला ट्रांच मींस उसका पार्ट, तो पहला जो पार्ट है उसमें हमने बिजनेस और इंडिविजुअल्स और खासकर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर फोकस किया। दूसरे पार्ट में हमने इनके ऊपर फोकस किया है कि जो लेबर मूवमेंट हो रही है और फार्मर्स जो फेस कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, मतलब फार्मर्स को सब्सिडी कितनी दी जाएगी। थर्ड पार्ट में जो कि 15 मई 2020 को आया था, उसमें हम एग्रीकल्चर पे फोकस करने वाले हैं। न्यू हॉराइजंस ऑफ ग्रोथ जो है हमारा 16 मई को रिप्रेजेंट किया गया था, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट वापस कैसे बूस्ट बैक करेगी आपकी इकोनॉमी को और क्या क्या रिफॉर्म्स अलग अलग सेक्टर में आए हैं। तो ये 5 पार्ट है। जब ये 5 पार्ट कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको, तब हम इसकी बात करेंगे कि जो ये 20 लाख करोड़ का फंडिंग गवर्नमेंट ने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्यूज करने वाली है, ये 20 लाख करोड़ की फंडिंग गवर्नमेंट कैसे मैनेज करने वाली है। ठीक है, तो प्लीज आप इस चैनल से जुड़े रहे बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स एक बेसिक ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि गवर्नमेंट ने किस ऑब्जेक्टिव से ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है इन्फ्यूज किया। सबसे पहला, ये पैकेज जो है वो फोकस करेगा लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, मतलब ये पैकेज हमारे इन 4 मेजर चीजों को कवर करेगा जिससे कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बेनिफिट हो सके। जिन भी लोगों ने MSMEs के ऊपर मेरा लेक्चर नहीं देखा है, ऊपर आई आइकन को प्रेस करके आप MSMEs का लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है उसके अंदर MSMEs की डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया है। मतलब जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट लिमिट, उस इन्वेस्टमेंट लिमिट को अब इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर के साथ जोड़ करके नई लिमिट सेट की गई है, ताकि जो MSMEs हैं वो एक नई डायमेंशन ग्रोथ की अचीव कर सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। इसका जो मोटिव है, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। आपने में भी हमारे गृह मंत्री की स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने ये कहा कि आर्मी के जितना भी कैंटीन्स है, अब उन कैंटीन्स के अंदर इंडियंस जो हैं वो प्रोडक्शन जाएगा, मतलब उनके जितने भी घर हैं, उनके जितने भी कैंटीन्स हैं, वहाँ पे सारा सामान वो डिलीवर किया जाएगा जो इंडियन इंडिया के अंदर बनेगा। बाहर के देशों से कुछ भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेके उनके कैंटीन्स में नहीं बेची जाएंगे। इससे इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा, मतलब आत्मनिर्भर। और इसका आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इस जो पूरा का पूरा 20 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन है, इसका मोटिव ये भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अब इसके 5 दिस पैकेज विल सर्व MSMEs, इंडिविजुअल, स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये क्या करेगा, जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, इंडिविजुअल्स को भी और जो छोटे मोटे जो बिजनेस है, कॉटेज इंडस्ट्रीज एज वेल, इन सबको कवर करेगा। ठीक है, इस आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स बताए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। पहला इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना।
इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक जो आपके, आप कह सकते हो कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, वो कोर एलिमेंट्स को गवर्नमेंट इंप्रूव करेगी, जिसमें कि कहीं ना कहीं पावर सेक्टर, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन जैसी इंडस्ट्री सारी आएगी, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, ठीक है। सो ये पांच हमारे सेक्टर्स हैं जिनको, पांच पिलर्स हैं जिनको गवर्नमेंट कवर करेगी। सिस्टम, सिस्टम इज लाइक लॉ एंड ऑर्डर वगैरह को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, देखो सबसे ज्यादा जो जरूरी है इस चीज के अंदर वो है डिमांड को क्रिएट करना। जब तक डिमांड नहीं होगी वापस से देश के अंदर, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तब तक डिमांड नहीं होगी। जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक प्रोडक्शन का वो लेवल अटेन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इस पैकेज को इन्फ्यूज किया गया। लोकल्स आर गिवन चांस टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स एंड मेक देम ग्लोबल। इस पैकेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जितना भी अब प्रोडक्शन होता था पहले हम जो बाहर से भी करते थे, ठीक है, अब इसमें लोकल्स, आपने सुना होगा कि भाई लोकल्स को वोकल दिया जाएगा, दैट मींस लोकल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी हर केस के प्रोडक्शन के लिए। मतलब इम्पोर्ट हम कम करेंगे, दैट मींस हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने वाले हैं, कम से कम इम्पोर्ट अब भारत जो है बाकी देशों से करेगा, ठीक है। और जो है बाय इंफ्यूजिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख करोड़ विच इज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ इंडिया जीडीपी। ये तो आपने सुना ही वीडियो क्लिप के अंदर कि 20 लाख करोड़ का पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया है जो जीडीपी का 10% है, जो कि अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स में इन्फ्यूज किया जाएगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को वापस से वही मजबूती दिलाई जा सके जो कि पहले इंडिया के पास थी। तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं डिटेल्स क्या है, क्या अनाउंसमेंट हुई है पैकेज फर्स्ट में हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो ऐसे तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई है, मैं आपको सिर्फ उन पॉइंट्स को कवर करके बताऊंगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। सबसे पहला, जितने भी एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज का लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लीज जरूर देख लें। तो जितने भी एमएसएमईज हैं उनको अब बिना कोलेटरल के लोन दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अब आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, आपको बिना कोलेटरल के लोन दिया जाएगा जिसका टेन्योर 4 साल का होगा, जिसको आप 4 साल में पे करेंगे, ठीक है, और 1 साल तक आपको उसका कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करना है, ठीक है। जो सरकार ने इसके लिए जो प्रोविजन बनाया है, फंडिंग की है, वो कितने की है, 3 लाख करोड़ की है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 45 लाख एमएसएमईज को बेनिफिट देने वाली है। तो जो जो फिगर्स हैं वो ध्यान रखेंगे, 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा एमएसएमईज को बिना किसी कोलेटरल के, जो कि 45 लाख एमएसएमईज को क्या करने वाला है, सर्व करने वाला है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि बिना कोलेटरल के अगर लोन देंगे, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो उनको बहुत डाउट होगा कि वापस कैसे आएगा। इन सच केस गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी पूरी गारंटी गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। आप लोन दे, जो पैसा डूबेगा कुछ भी होगा उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी, दैट इज व्हाई 3 लाख करोड़ हैज बीन इंट्रोड्यूस, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेस एमएसएमईज, वो एमएसएमईज जो कि पहले से अपने फंक्शनिंग पे थोड़े इम्प्रॉपर थे, या ढंग से काम नहीं चल रहा था, या किसी वजह से बिजनेस में सफर कर रहे थे, ऐसे एमएसएमईज को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उनको 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी, जिससे कि वो वापस एक प्रॉपर पर्टिकुलर तरीके से वापस फंक्शनिंग कर सके, ठीक है। और इससे करीबन 2 लाख एमएसएमईज को फायदा होने वाला है। ये हर एमएसएमई के, ये किसके लिए है, ये स्ट्रेस एमएसएमईज के लिए, वो जो पहले से काफी प्रॉब्लम्स में है, ठीक है। इसके बाद 50,000 करोड़ रुपए उन एमएसएमईज को दिए जाएंगे जो एमएसएमईज पहले से ही बहुत अच्छे कर रहे हैं, ताकि उनको और बूस्ट किया जा सके। ऐसा होता है ना कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ता है, टीचर भी उसको कहता है कि तू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर ले, तो ये कुछ पैसा ही है, आप समझो कि 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उन एमएसएमईज को जो ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि वो और अच्छे से अपना काम कर सके। तभी तो लोकल को वोकल मिलेगा, जब आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हर चीज को उठाओगे। अब एक चीज आप इन 3 पॉइंट्स में पहले समझें, एमएसएमईज पे इतना फोकस करने का क्या मतलब है। एमएसएमईज इंडिया के अंदर, देखो मैंने एमएसएमईज की वीडियो में बताया था, वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है एमएसएमईज के मामले में 2nd नंबर पे आता है चाइना के बाद। तो हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत वास्ट है और 11 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है एमएसएमईज,
अलोंग विद दैट अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा कोई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है तो वो एमएसएमई से, मतलब अगर हमें वापस से इंडिया को रोबस्ट करना है, वापस से इंडिया को उसकी पेस पे लेके आना है और जो ट्रैक से हम हट चुके हैं इस पेंडेमिक की वजह से, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ काम कर सकती है कि हम ग्राउंड लेवल से फंडिंग करना शुरू करें। इसलिए पहले पैकेज के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने सिर्फ एमएसएमई पे ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, ये तो होगी एमएसएमई की बात। अब बात करते हैं इंडिविजुअल को कैसे बेनिफिट होने वाला है। देखो, गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर ईपीएफ ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स टिल अगस्त। पहले आपको पता होगा गवर्नमेंट ने कहा था जिन लोगों की सैलरी 15,000 रुपए तक या उससे कम है उनका ईपीएफ जो भी था वो गवर्नमेंट पे करने वाली थी मार्च अप्रैल मई का, लेकिन इस लिमिट को एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है अब अगस्त तक कर दिया है। मतलब जो लोग 15,000 रुपए तक का सैलरी लेते हैं, कॉम्पेंसेशन लेते हैं और वैसी छोटी यूनिट्स, उनके एम्प्लॉयज और उनके एम्प्लॉयर का जो ईपीएफ है वो गवर्नमेंट पे करेगी। कब तक करेगी गवर्नमेंट उनके ईपीएफ में डालेगी, कब तक? अगस्त तक, जो कि टोटल कितना बनता है 2500 करोड़ के आसपास बनता है। ठीक है, जो कि कितने लोगों को बेनिफिट करेगा, जो कि 3.67 लाख एम्प्लॉयर को बेनिफिट करेगा। 3.67 लाख एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन होते हैं? मालिक। एंड 72.22 लाख एम्प्लॉयज को फायदा करेगा। ठीक है, तो ये इतने मालिकों को और इतने लेबर को फायदा करने वाला है, ये इंडिविजुअल बेनिफिट। फिर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो अगले 3 महीने के लिए कम कर दिया गया है। पहले ईपीएफ हमारा 12% रखता था, अब ईपीएफ में 10% जाएगा। इसे आप ऐसे समझो कि मान लो पहले सपोज इट आप 2000 रुपए कमाते थे, है ना, 2000 में से 12% जो था ईपीएफ में आपका जाता था। तो अगर मैं 2000 में से 12% की बात करता हूँ तो कितने रुपए पहले आपके जा रहे थे? पहले आपके जा रहे थे 240 रुपए जा रहे थे ईपीएफ में, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कितना हो जाएगा, वो 10% हो जाएगा। इसका मतलब अब सिर्फ 2000 का 10% विच इज 200 अब आपके सिर्फ ईपीएफ में 200 रुपए जाएंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले 12% था जिससे कि 240 रुपए जा रहे थे एग्जाम्पल के तौर पर, और अब सिर्फ 200 रुपए जाएंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाने वाला था वो अब आपके जेब में बच गया, जो कि टोटल एक अमाउंट बनाता है 6750। इसका मतलब अगर नेशन के टोटल ईपीएफ की कलेक्शन देखें तो लोगों के पास कितना रुपए बच जाएगा, टोटल मिला के 6750 करोड़ रुपए का फायदा लोगों को होगा। ये लोगों को होगा, गवर्नमेंट के पास जाना था, गवर्नमेंट ने 2% कम कर दिया तो मतलब लोगों को बेनिफिट होगा, ये इंडिविजुअल फायदा। आगे देखते हैं 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्शन की गई डिस्कॉम्स के लिए। डिस्कॉम्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी से एसोसिएटेड काम में लगे हुए हैं, या फिर जनरेशन में, या फिर ट्रांसमिशन में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके अंदर 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी दी जाएगी। क्यों किया गया ऐसा? ऐसा करने के पीछे जो वजह है वो ये है क्योंकि ये कंपनीज को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लॉस सहना पड़ा है, क्योंकि जब बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए तो इनके पास मनी का फ्लो कम हो गया, तो उस मनी के फ्लो को वापस से चालू करने के लिए 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी उन सेक्टर्स को दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद TDS टैक्स डिडक्शन इन सोर्स, ये क्या होता है? देखो, जब हम लोग कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन, जैसे मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, इस केस में मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो जो मैं प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल के केस में TDS कटता है। ठीक है, इंडिविजुअल तौर पे आप टैक्स बोलते हो, लेकिन प्रोफेशनल के केस में जिनकी सैलरीड नहीं होती, जो सैलरीड नहीं होते सॉरी, उनके केस में TDS कटता है। तो TDS की जो लिमिट है वो 25% कम कर दी गई है। अभी 25% कम करने का मतलब वही सेम एग्जांपल हो कि पहले आप 2000 कमाते थे तो 25% क्या करते थे, गवर्नमेंट को एज अ TDS देते थे, तो 2000 कमाते थे 25% दे देते थे, तो कितना चला गया, 500 रुपए चला गया था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये 25% कम हो जाएगा, मतलब आप ये समझो कि 2000 रुपए आप कमाते थे, ठीक है, अगर 2000 आप कमा रहे थे और 500 दे रहे थे तो अब आपको 25% कम देना है। ठीक है, मतलब अब आपको जस्ट, हाँ जी, 25% रिडक्शन दिया गया TDS में। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय TDS?
देखो टीडीएस क्या होता है, जितने भी लोग प्रोफेशनल्स होते हैं ठीक है, लाइक टीचर्स हो गए या फिर कोई सीए फर्म में हो गया, कोई लॉ फर्म है, अब ये जितने भी लॉ फर्म्स या सीए फर्म या कोई टीचर कोचिंग सेंटर्स होते हैं ठीक है, सैलरी तो है नहीं, अपना काम कर रहे हैं, इस केस में इनका जो भी इनकम होता है उसमें टीडीएस कटता है, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। गवर्नमेंट ने इस टीडीएस को 25% रिड्यूस किया है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो पहले आप 2000 रुपए कमाते थे, अब उस 2000 में आप 100 रुपए टीडीएस पे कर देते थे, अब वो टीडीएस आपको सिर्फ 75 रुपीज पे करना है, मतलब 25 रुपए एक तरह से आपके अब बच गए, मतलब 25% का आपको बेनिफिट हुआ। जो एस्टिमेशन क्या है कि टोटल 50,000 करोड़ के आसपास है ठीक है, ये एस्टिमेशन कितना है 50,000 करोड़ रुपए का इससे फायदा होगा लोगों को, मतलब जो 50,000 करोड़ पे गवर्नमेंट को मिल जाते वो अब आपके पास रहेंगे, मीन्स आपकी जो अपनी इनकम है जैसे आप खर्च कर सकते हैं आप कह सकते हो 25% से बढ़ गए, क्योंकि पहले आप सिर्फ 70 पहले आप 100 रुपए दे देते थे, अब आप 75 ही दे रहे हो, तो 25 रुपए आप और एक्स्ट्रा खर्च कर पाओगे। ये क्यों किया गया, ताकि इंडिविजुअल के डिमांड पे इंपैक्ट पड़े, ज्यादा पैसा हाथ में रहेगा तभी तो खर्च पाएंगे, वरना कैसे खर्च पाएंगे। और ये कब तक के लिए किया गया है, ये मार्च 2021 तक के लिए किया गया है ठीक है। इसी के साथ साथ जो ड्यू डेट थी आईटीआई फाइल करने की, जो कि 31 जुलाई तक करी गई थी, अब वो कब तक कर दी गई है, नवंबर 2020 तक, मतलब अब जो हम अपनी आईटीआई फाइल कर सकते हैं वो कब तक कर सकते हैं, वो नवंबर 2020 तक कर सकते हैं ठीक है। इसी के साथ मैंने आपसे क्या कहा था, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, है ना, अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव देखें तो क्या कहा था उस ऑब्जेक्टिव में, कि इंडिया क्या बनेगा, सेल्फ रिलायंट। देखो सबसे पहला पॉइंट वापस है, इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा प्लस लोकल को ग्लोबल करना है। अभी लोकल को ग्लोबल करना क्या था, वो आपके पास पॉइंट ये है, देखो क्या लिखा है, ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़, मतलब 200 करोड़ रुपए तक के जितने भी टेंडर्स बाहर के होते थे हम उनको मना कर रहे हैं। आप इसे ऐसे समझो कि मान लो पहले इंडिया में ये मार्कर बनते थे ठीक है, और ये मार्कर इंडिया एक मार्कर जो बनाती थी वो मान लो 20 रुपए का बनाती थी ठीक है, लेकिन कोई भी बाहर की कंपनी जैसे कि मान लो चाइनीज कंपनी आ गई या जापानीज कंपनी आ गई या से इटालियन कंपनी आ गई, वो आते थे और वो यही मार्कर गवर्नमेंट को कहते थे कि हम आपको 15 रुपए का बना के दे देंगे। इंडियन कितने का बना रहे हैं, 20 का, वो कितने का ऑफर कर रहे हैं, 15 का ठीक है, तो फायदा था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब स्ट्रिक्टली मना कर दिया, जितने भी टेंडर 200 करोड़ रुपए तक के होंगे वो सिर्फ इंडियंस को ही मिलेंगे, इंडियन टेरिटरी में ही बनेंगे, बाहर वालों को प्रोजेक्ट नहीं दिए जाएंगे। क्यों, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड दिस इज व्हाट वी नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, के पहले तुम इंपोर्ट कर रहे थे एक तरह से, अब आप इंपोर्ट नहीं करोगे ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद ये कहा गया है कि जो NBFCs हैं, HBFCs हैं, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ठीक है, HBFC क्या होता है, हाउसिंग बैंक बैंक फाइनेंस कॉर्पोरेशन ठीक है, MFI क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन लोगों को 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि जब आप इनको लिक्विडिटी दोगे तभी तो ये आगे फर्दर जो इंडिविजुअल्स MSMEs के अंदर लोन लेने जाएंगे तभी तो ये उनको दे पाएंगे, तो 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी इनको दी जाएगी। तो ये एक तरह का मेन 10 आपके पास पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि जो गवर्नमेंट का पहला पैकेज आया, रिलीफ फंड आया, जो पहला पैकेज बिजनेस के रिगार्डिंग बिजनेस इंक्लूडिंग MSMEs, उनको कैसे बेनिफिट करेगा और इंडिविजुअल मीन्स आपकी जेब पे कैसे बेनिफिट करेगा। बाकी इसके डिटेलिंग देखते हैं एक बारी, सी ये कहा गया इमरजेंसी, जो भी आपका जो भी स्टाफ है, फैसिलिटीज, MSMEs वगैरह जितने भी काम कर रहे हैं उनको वर्किंग कैपिटल दी गई कितने की, 3 लाख की, अभी हमने पॉइंट्स पढ़ा था। फिर जो MSME स्ट्रेस है, मतलब पहले से ही प्रॉब्लम में चल रही है, उनको कितने का इन्फ्यूजन है, 20,000 करोड़ का, सारी फिगर करोड़ में है। MSME में इक्विटी, मतलब जो अच्छे चल रहे हैं उनमें गवर्नमेंट इक्विटी देगी, मतलब और इन्वेस्टमेंट करेगी, वो कितने की है, 50,000 करोड़ की ठीक है। EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स, जो बिजनेस और वर्कर्स जिसमें गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट को जो सपोर्ट कर रही है उसको कितना दिया गया, 2800 करोड़ अराउंड ठीक है। और EPF रेट को रिडक्शन किया गया है ठीक है, और कितना हो गया, 6750 ठीक है।
स्पेशल इक्विटी स्कीम निकाली गई है उसके लिए कितना है 30,000 करोड़। ठीक है, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम कितनी आपको दी गई है एनबीएफसी को 45,000 करोड़। लिक्विडिटी इंजेक्शन कितना दिया है डिस्कॉम्स को 90,000 करोड़। और रिडक्शन इन टीडीएस टीसीएस रेट्स क्या है आपके पास 50,000 करोड़। तो इसका अगर सब टोटल करते हैं जो कि पार्ट वन है ना सिर्फ, तो पार्ट वन के पैकेज का टोटल कितना आता है दैट इज 5,94,550। तो ये पैकेज वन है आपके पास फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। स्टे ट्यून विद दिस चैनल सो दैट मैं आपको बाकी जितने भी पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके ऊपर भी अपडेट्स दे सकूं। आई होप यू लाइक द वीडियो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।